इस मॉड्यूल में हम फाइलम एकाइनोड में वाटर वेस्कुलर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ट्यूब फीड के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ट्यूब फीड्स जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर कैनाल्स हैं कैनाल्स मुख्तलिफ किस्म की हैं हर कैनाल के साथ हर कैनाल की जो एक्सटेंशन है वो है ट्यूब फीड और ट्यूब फीड जो है नॉर्मली दे आर ओपनिंग्स इन स्केलेटल ऑस्कल्स इंटरनली ट्यूब फीड जो है दे विल टर्मिनेट इंटू आ बल्ब लाइक मस्कुलर एम्पुला जब एक मस्कुलर एम्पुला जो है वो कंट्रैक्ट करेगा तो ट्यूब फीड के इसके अंदर जो भी वाटर मौजूद होगा वो वाटर जो है दिस विल फोर्स द वाटर इंटू ट्यूब फीट विच इज़ नॉर्मली एक्सटेंडेबल अब इसके अंदर एम्पुला के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसके बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेंगे उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वाल्व अब ये वॉल्व जो है दे नॉर्मली प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ वाटर फ्राम द ट्यूब फीट इन टू द लैटरल कैनाल एक ट्यूब फीट जो है दैट इज आल्सो हैविंग अ सक्शन कप एट इट्स डिजिटल एंड जब वेन द फुट दे एक्सटेंड एंड कंट्रैक्ट सॉलिड सबस्ट्रेड जो सक्शन पंप के एज प्रीवियसली मैंशन के जो सारा ये ट्यूब फीट है ये इसके सक्शन पंप हैं दे आर मस्कुलर इन नेचर तो इसके अंदर जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करने के बाद दे विल नॉर्मली क्रिएट आ वैक्यूम और कुछ टेक्सा के अंदर ट्यूब फीट जो है दे आर हैविंग आ पॉइंटेड आर ब्लंट डिस्टिल एंड ये काइनोडर्म्स जो हैं अपने ट्यूब फीट को एक्सटेंड करेंगे इसके किसी भी सबस्टेटम के साथ ट्यूब फीट कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होने के बाद इनका कांटेक्ट हो जाएगा ड्यूरिंग लोकोमोशन और समटाइम्स दे विल सिट सेडिमेंट ड्यूरिंग देयर लोकोमोशन और ड्यूरिंग देयर फीडिंग दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ट्यूब फीट हेयर यू कैन से दिस इज द इट्स ओरल एब सरफेस Here is anus. Here is madreporite present. Here is uh, all its digestive feeding system will be here. Mouth, stomach. These are all the canals. Central ring canal. All these are digestive glands that are associated with this stomach, mouth, and anus. They are also part of this digestive system. Here are gonads. Gonads. They are uh, playing important role in reproduction. There may be. देर में बी मेल एंड फीमेल गोनेड्स टेस्टिस ओवरिज ऑल दीज आर प्रेजेंट हेयर हेयर इज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ कैनल एक्चुअली दिस इज द स्टार फिश है फाइव आर्म्स एंड दे आर इट इज़ रिकगनाइजिंग इट्स पेंटा रेडियल मिट्ट्री और हर आर्म के अंदर आप देखिए एक कम्प्लीट सिस्टम जो हैं वो मौजूद हैं अब इसके अंदर अगर अब बात कर रहे हैं हम इसकी ट्यूब फिट की तो इसके अंदर एक ट्यूब फीट को अगर हम देखें तो इसके अंदर ये सोलन जो बाल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ एम्पुला और इसके साथ जो एक्सटेंशन है दैट इज़ पोडियम अब ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है दिस कैन कंट्रैक्ट दिस कैन रिलैक्स अब एम्पुला के अंदर जब वाटर जो है वो रेडियल कैनाल से आएगा तो ये एक्सटेंड कर जाएगा और पोडियम जो है दिस नॉर्मली अटैच इट्स सेल्फ टू सबस्ट्रेटम अब इसके अंदर बात जैसे कि हमने की थी कि वॉल्व मौजूद हैं एक दफ़ा एम्पुला में वाटर आ जाएगा तो दोबारा से रेडियल कैनाल में नहीं जाएगा अब ये स्टार फिश की आम के ऊपर ये स्ट्रक्चर जिनको हम पोडियम कहेंगे ये मौजूद है इन पोडियम की हेल्प से ये स्टार फिश या सिमिलर नॉट ओनली स्टार फिश बट अदर एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम एकाइनोडर्मेटा दे मे बी हैविंग द सेम स्ट्रक्चर पोडियम ऑन टू देयर एंटायर बॉडी सरफेस अब ये पोडियम के थ्रू सब से कांटेक्ट करेंगे जो कि कांटेक्ट करने के बाद यहाँ फिर इनके फीडिंग में लोकोमोशन में ये स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सो ट्यूब फीट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड इज प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन फीडिंग एज वेल एज इन लोकोमोशन